हेलो एवरीवन मु शुभम आपण मानक स्वागत करुच्चे एसपी एजुकेशन गोटे नुआ वीडियो को। तो पिलाने आज आम आलोचना करवा सेट क्वेश्चन यही थर एनएमएस सेट क्वेश्चन आलोचना करवा जोटा कि साइंस क्वेश्चन कौन देखा साइंस विज्ञान क्वेश्चन देखा तो मानकर सब पेपर टू चल पे कि सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन को किसी आलोचना करदे कौन है युवक्रांति समय पुओ मान क्योंटी फुली आग को बाहरी आसवा पर देखा जाए पुओ मान कौन फुली पे आग को बाहरी आसवा पर देखा जाए तो उत्तर होमर ए गलघंटिका कौन गलघंटिका तुम जो स्वर पेटिकार जो कथा कौ तुम मैंने से गलघंटिकाटा आग को बाहरी आसे। पोषग्रंथि कहार प्रवाह को नियंत्रण करे पोषग्रंथि कहार प्रवाह को नियंत्रण करे दुई नंबर हो हरमोन हरमोन प्रवाह को नियंत्रण करे। सुस्थ शरीर पर क्योंटी आवश्यक रही था सुस्थ शरीर पर कौन आवश्यक क्या सुषम खाद्य खाद्य खाइले आम देह सुस्थ रही एड्स रोग क्यों भूताणु जो होता है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे मैंने एड्स रोग क्यों भूताणु द्वारा होता है समस्त मत जान पे एचआईवी भूताणु ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस फुल फॉर्म कौन ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस मनुष्य मोट क्रोमोसोम संख्या कैसे मनुष्य मोट क्रोमोसोम कैसे पे मैंने 46 बा पे से बेले बेले 23 जोड़ा 46 न देखिए 23 जोड़ा से गोटे कथा कन्फ्यूज हेनी 23 जोड़ा जा 46 ता मनुष्य केतजोड़ा लिंग क्रोमोसोम रही लिंग क्रोमोसोम कतटा पे मैंने 6 नंबर गोटे एक एक रक्त गठन क्यों लवण आवश्यक रक्त या कौन आवश्यक होता है पे 7 नंबर हो लौह आवश्यक आमको कौन लौह निषिक्त समायत डिम्बरे क्या उपर पुओ कि झी एवं निर्भर करें क्या निर्भर कै पे 8 नंबर होमर बी गुणसूत्र जदि पे एक्स एक्स रहा कौन एटा झी जदि एक्स वाई रहा कौन पुओ ए टाइप हेतु रखे 9 नंबर हाड़र गठन क्यों जातीय खाद्य आवश्यक हाड़र गठन कौन आवश्यक पे मैंने कैल्शियम दरकार कौन दरकार कैल्शियम प्राय केते वर्ष पर्यंत किशोर अवस्था चालू रही था किशोर किशोरी अवस्था केते वर्ष पर्यंत लगी रही थे पे मैंने 10 नंबर हो 19 वर्ष पर्यंत केते वर्ष 19 जन्म पर मनुष्य शरीर में केतोटी पर्यायर द्रुत अभिवृद्धि होता है जन्म हाँपर मनुष्य शरीर में केतोटी पर्याय देखा जाए जो थे मनुष्य अभिवृद्धि तार वृद्धि घटी थाए 11 नंबर कौन हम तीनो प्रजाय कौन तीनो प्रजाय किशोर कालीन द्रुत अभिवृद्धि केते वर्ष बयस रही था किशोर मानक अधिक अभिवृद्धि क्यों समय रही था 12 नंबर हो 10 रु 11 ये 10 रु 11 समय से मानकर द्रुत अभिवृद्धि घटी थाए। नेक्स्ट है ना क्यों अवस्था झील मान उच्चता वृद्धि पुओ मानु अधिक क्यों अवस्था प्राथमिक अवस्था क्यों अवस्था प्राथमिक अवस्था शरीर उच्चता क्या उपर निर्भर करे बहुत इजी क्वेश्चन पे मैंने समस्त मत जानी शरीर उच्चता क्या जीन गुणसूत्र जीन उपर निर्भर करते समस्त प्राक्ट कर रे पे कहीं छाड़नी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम मान एक्जाम सब पाखे आसलानी के नवेम्बर 4 पर तुम एक्जाम नवेम्बर 4 पर्यंत आम क्लास कंटिन्यू रखा पे टाइप प्राक्ट क्वेश्चन आने तुम मैं किसी टीप्स नहीं कि आस तुम एक्जाम केमी निजी को सिलेक्टेड कर एक्जाम डर भय छाड़ी क्यों भाव में भितर को एंट्री कर कौन कौन दरकार से सब विषय में मुझे पार्टिकुलरली गोटे भिड नहीं कि आस तुम मानी किसी असुविधा नहीं पे मैंने तुम एगुड़ा भाव में प्राक्ट कर जी भिड अपलोड कराक्ट करदेव से तुम सिलेक्टेड हो पुओ जन्म होना बोली क्यों मान को दोष दवा ठीक हे क्या दोष दवा पुरुष को दोष देवार पे मैंने जब पुओ होनी बोले से कथा कह 16 नंबर शरीर उच्चता पितामाता आसीता शरीर उच्चता पितामाता आसीता क्या उपर निर्भर कै पितामाता आसीता कौन जीन उपर कहली पे मैंने उच्चता वृद्धि एवं से ही क्वेश्चन पूर्व क्वेश्चन श्वेत ग्रंथि और तैल ग्रंथि दुईट ग्रंथि देला पे मैंने कौन कौन देला सी श्वेत ग्रंथि तैल ग्रंथि क्षरण अधिक हेले अनेक मुहर निम्मक्त मध्य क्यों अधिक बाहर जो अधिक क्षरण हम श्वेत ग्रंथि कि तैल ग्रंथि
ତାହେଲେ ସେ ତ କ'ଣ ବାହାରେ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ବିବ୍ରଣ ବାହାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ତମ ମୁହଁରେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ବ୍ରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ତା କାରଣ କ'ଣ ର ପିଲାମାନେ ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଶ୍ୱେତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ଷରଣ ହେଲା ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପୁଅର ବୟସ 9 ବର୍ଷ ଓ ଉଚ୍ଚତା 120 ସେମି ହେଲେ ବୃଦ୍ଧିର ଅବଧି ଶେଷ ବେଳକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ସେମି ହେବ ବୁଝିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଗୋଟିଏ ପୁଅର ବୟସ ହେଉଛି 9 ବର୍ଷ ତା'ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ 120 ସେମି ସେ କହିଛି ଯଦି ତା'ର ମାନେ ବୟସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ 9 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ 40 ନେବା ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ କେତେ ପିଲାମାନେ 9 ବର୍ଷ ଇଏ 120 ବୁଝିଲା ନା 9 ବର୍ଷକୁ ସେ କହିଛି ବୃଦ୍ଧିର ଅବଧି ଶେଷ ବେଳକୁ ବୃଦ୍ଧିର ଅବଧି ଶେଷ ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି କେତେ ଲାଗିଯିବ ପିଲାମାନେ 40 ସେମି ବଢ଼ିଥିବ ଆଉ କେତେ ସେମି ପିଲାମାନେ 40 ସେମି ସେ ବଢ଼ିଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 12 ବର୍ଷରେ ତା'ର ବୃଦ୍ଧି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ବାର କରିବା ଯଦି 9 ବର୍ଷକୁ 120 ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ହେବ 30 ବୁଝିଲେ ନା ପିଲାମାନେ 30 ସରି ପିଲାମାନେ 30 ନୁହେଁ 9 ବର୍ଷକୁ ଯଦି 120 ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ କାଢ଼ିଲେ 120/9 କରିବା ପିଲାମାନେ କି ନଅ 3 × 4 40/3 ଆସିଲା 40/3 ଆସିଲା ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ 4 ବର୍ଷକୁ ନେବା ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ 4 ବର୍ଷକୁ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଆସିବ ସେ 40 ତାହେଲେ ଏଇଟା 40 ହିସାବ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ମୁଁ କହିବା କଥାଟା ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ 3 ବର୍ଷକୁ 40 ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆଉ 3 ବର୍ଷକୁ 40 ବୃଦ୍ଧି ଆଉ 3 ବର୍ଷକୁ 40 ବୃଦ୍ଧି 120 ହେଉଛି କିରେ ମୁଁ କହିବାର ମତର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇଏ 9 ବର୍ଷ ଇଏ 120 ତ କେତେ 40 ଲେଖେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଯଦି ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି 12 ବର୍ଷ ତ ଆଉ 40 ମିଶିବ 120 40 ମିଶିଲା କେତେ 160 ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ 19 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ବି ରୁଟି ଡାଲି ଆଉ ପନିପରିବା ତା'ପରେ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅଧିକ ଖାଇବା ଉଚିତ କ'ଣ ଖାଇବ ସେ ପିଲାମାନେ କକ୍ଷ କ୍ଷୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମାଆଙ୍କ କ୍ଷୀର ଯେଉଁଟାକି କକ୍ଷ କ୍ଷୀର ସେଇଟା ଯଦି ଅଧିକ ସେ ଖାଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେହରେ କୌଣସି ତା'ର ରୋଗ ରହିବନି ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ଟୋଟାଲ 20 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଏହିପରି ଭାବେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନେ 7ଟା କିମ୍ବା 8ଟାରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିକି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥୋଇବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ